औरत का आई ब्रोज़ और अपर लिप्स बनवाना क्या खुतिन के लिए अपर लिप्स और आई ब्रोज के बाल बनवाना जायज़ है अगर जायज़ नहीं तो इसका गुनाह क्या है महम्मद अरबाब लाहौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आई ब्रोज़ बनाने वालियों पर लानत फरमाई है ये गुनाह काफ़ी है कि पैगम्बर की लानत होगी तो आप सोचें उसका क्या ठिकाना होगा क्योंकि ये तगीर खलकिल्ला है आप अपनी जो अल्लाह ने आपको शक्ल दी है उसको जीनत तो दे सकते हैं लेकिन डेंटिंग पेंटिंग का काम करके उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते आप जैसे लोग जो प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं एक प्लास्टिक सर्जरी तो होती है कोई ज़ख्म हो गया आपके एक्सीडेंट से मुंह खुदा ना खास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो गया वो तो ठीक है प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये होता है वहाँ के जो ऐप पैदा हुआ है उसको दूर किया जाए या बाज़ लोगों में कोई ऐप होता है दांत उनके बहुत ज़्यादा आगे निकले हुए होते हैं तो वो उसको प्लास्टिक वो वो दांतों का ऑपरेशन वगैरह करके उनको अपनी जगह पे ले आना ये तो ठीक है क्योंकि ये एक एक, एक बहुत ज़्यादा भद्दा एक ऐबदार चीज़ है उसको आपने सही कर लिया तो लेकिन वैसे जो अल्लाह ने नॉर्मल जिस तरह लोगों को पैदा किया है चाहे कुछ को खूबसूरत बनाया कुछ कुछ को बसूरत बनाया बसूरत बनाया तो वो अपने चेहरे में के खदो खाल में चेंजिंग करके जैसे मोटी ना के ऑपरेशन करवा के बारीक ना करवा लेता है आईब्रोज़ किसी की घनी होती हैं किसी की बारीक होती हैं जो घनी है वो बारीक करवा ले तो ये तगीर खल कल्ला है अल्लाह की तख्लीक को बदल डालना है नबी कुरानी सल... मजीद में अल्ला के है कि शैतान ने कसम उठाई थी कि मैं इनको इतना गुमराह करूँगा फ़ला यू रुन खलकल्ला ये तेरी बनाई हुई तख्लीक को बदलेंगे तेरी बनाई हुई शक्ल पर ये लोग राज़ी नहीं होंगे तो ये गैर मुस्लिमों से ये चीज़ आई है माइकल जैक्सन को देखे ना प्लास्टिक सर्जरी कर करके कर 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 दिया था अपना पूरी चमड़ा चेंज हो गया उसका अजीब सी शक्ल बन गई थी उसकी तो ये सब चीज़ें हराम है इस्लाम इसकी बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं देता जैसे ही अल्लाह ने आपको शकल दी है इसी को नहा धो के थोड़ा सा खातिन है तो सुर्खी पाउडर लगा लें मैं लोगों से कहता हूँ बहुत ज़्यादा मैं लेको चाह लो तेज़ा से नहा भाई बहुत ज़्यादा चमक जाओगे तेजाब से मेरी मुरादी है कि ज़रा अच्छे वाले साबुन से नहा लें आप तो इससे ज़्यादा नहीं बस ये जो है इतना ज़्यादा कि नाक की सर्जरी करवा के बारीक नाक करवा ली और जो बुढ़ापे में सलवटें आ जाना चेहरे पर यह भी एक नेचुरल चीज़ है तो उसमें भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते सफ़ेद बालों को काला कर लेना बिल्कुल ब्लैक कर लेना ये भी जायज़ नहीं है चालीस साल के बाद तो इसी तरह आई बनाना भी जायज़ नहीं है हाँ किसी की बहुत ही भद्दी हो जो आम तौर पर किसी की होती नहीं है ऐसी बहुत ज़्यादा भद्दी हो किसी खातून की आई जो बिल्कुल नेचुरल से हट कर हैं यानी ये तो देखें कुदरती तौर पर होता है ना किसी की आई गहरी होती हैं किसी की बारीक होती हैं किसी की थोड़ी आपस में जुड़ी हुई होती हैं किसी का किसी का फासला ज़्यादा होता है ये तो नॉर्मल है लेकिन अगर कोई बहुत ही आम मामूल से हटकर बिल्कुल ही किसी की बहुत ही औरत की भद्दी हो तो फिर बास फ़कान ने गुंजाइश दी है कि थोड़ा बहुत उसको इतनी उसमें तब्दीली कर लेना कि बहुत ज़्यादा भद्देपन से वो निकल आए तो इसकी गुंजाइश दी है तो लेकिन नॉर्मल ऐसा होता नहीं है नॉर्मल तो फैशन के लिए ही किया जाता है ये काम तो ये हराम है नाजायज है और इसमें खुवातन जो समझती हैं कि हम हमारा हुसन बढ़ता है हुसन बढ़ता नहीं है वहशत पैदा होती है देखने वाले को लग रहा होता है कि आर्टिफिशल है अजीब सी एक वहशत होती है इसमें तो ये जायज़ नहीं है हाँ पर बनवाना ख़ातून के लिए जायज़ है और चेहरे पर और कहीं बाल निकल आएँ तो वो उनका नोचना बिल्कुल जायज़ है